हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, शहनाज एक बार फिर आई हैं अपने इंस्टा अकाउंट पर नज़र। जी हाँ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र आई हैं और क्या कहा है उन्होंने अपने फैन से, बहुत ही बड़ी बात और जो कि इस समय बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ। जी हाँ, दिल से अगर हम खुश हैं तो ज़िंदगी से भी हम खुश हैं। इस समय उन्होंने अपने फैंस को ये मैसेज दिया है आकर, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। सुशांत सिंह राजपूत के ना रहने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दिल से उदास हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका दिल माइंड उदास है, परेशान है। और शहनाज गिल, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा खुश खुश रहने वाली लड़की, तो वो नहीं चाहती हैं कि कोई भी डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन में जाए। सभी लोग खुश हों, हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ रहे सभी की, इसका मैसेज एक बार फिर देती हुई नज़र आई हैं शहनाज गिल। क्योंकि उन्हें, आप जानते हैं, जीवन में उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉमेंट कीजिएगा, हम आपको इनकी पूरी स्टोरी भी बताएंगे एक वीडियो के थ्रू। शहनाज गिल ने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है, तब जाकर वो आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं। और इतना ज़्यादा चीज़ों का उन्होंने भी सामना किया है कि लोग उनके साथ फ़ोटो शेयर करना पसंद नहीं करते थे, उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ काम करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो पंजाब इंडस्ट्री है, उन्हें ऐसा लगता था कि बाकी के लोग उन्हें बायकॉट कर देंगे अगर वो शहनाज से किसी भी तरह का रिश्ता रखेंगे। खैर, समय सबका आता है और समय सबका बदलता है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ हिम्मत रखने की, जो कि शहनाज ने रखी। और इस हिम्मत का परिणाम आज ये है कि शहनाज आज उन बुलंदियों पे है, उन ऊंचाइयों पे है, आज उस शिखर पर है कि लोग उन्हें देखकर उनके साथ काम करने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं और लाइन लगाकर उनके दरवाजे के आगे खड़े होते हैं कि एक बार शहनाज उनके साथ काम करने को तैयार हो जाए। वेल, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए कि शहनाज का यह थॉटफुल मैसेज आपको कैसा लगा। वेल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।